फर्स्ट हम क्या करेंगे, 84 और 126 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 84 के फैक्टर क्या होंगे, यूनिट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिविजिबल होगी। 2 की रियल में 8 आता है 4 टाइम, 2 की रियल में 4 आता है 2 टाइम, 2 की रियल में 4 आता है 2 टाइम, 2 की रियल में 2 आता है 1 टाइम। तो 3 की रियल में 21 आता है 7 टाइम, 7 आता है 7 की रियल में 1 टाइम। अब हम 126 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, यूनिट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिविजिबल होगी। 2 की रियल में 12 आता है 6 टाइम, 2 की रियल में 6 आता है 3 टाइम, 3 की रियल में 6 आता है 2 टाइम, 3 की रियल में 3 आता है 1 टाइम, 3 की टेबल में 21 आता है 7 टाइम, 7 के रियल में 7 आता है 1 टाइम। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 2, 3 और 7। तो एचसीएफ क्या होगा, तो इस पेयर में से हम 2 ले लेंगे, इस पेयर में से हम 3 ले लेंगे, इस पेयर में से हम 7 ले लेंगे। 7 3 21 21 2 42। एलसीएम जो ये पेयर्स हैं उनमें से तो हम नंबर लेंगे ही, 2 × 3 × 7 के अलावा जो नंबर है उनको भी हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल से लेते हैं। ओके, 2 × 3 = 252।